तो हेलो एवरीवन, मैं हरेंद्र सिंह तोमर एग्जामशाला की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे करंट अफेयर शो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज के सेशन को। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप। रेड अलर्ट निकल गया, हाई अलर्ट निकल गया, और अब अलर्ट चल रहा है सरकारी नौकरी आने का। बहुत सारी सरकारी नौकरी निकल रही है, और अगर आप ये सोचकर परेशान है कि बैंकों में प्राइवेटाइजेशन हो रहा, तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने बजट नहीं पढ़ा है तो आराम से पढ़िएगा। 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस हैं उनको कहीं ना कहीं कोर बैंकिंग सिस्टम में गवर्नमेंट ला रही है, वहां पर भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलते हम लोग आगे के सेशन की तरफ। सबसे पहले कुछ विशेष सूचना है। IBPS क्लर्क का फॉर्म फिलिंग एग्जामशाला की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अगर आप एग्जामशाला के नियरेस्ट ब्रांच के पर पहुंच सकते हैं तो एड्रेस आपको दिख रहा होगा, वहां पर पहुंच जाइएगा संडे के दिन। संडे मतलब 17 जुलाई को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक हम लोग फॉर्म फिल कराएंगे। साथ ही साथ अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो GPSC मतलब स्टेट PSC का एग्जामिनेशंस के लिए हम लोगों ने स्पेशल बैच स्टार्ट किए हैं, आप उन बैचों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे पहला न्यूज आपके स्क्रीन पर रहेगा और आप सभी लोग इस न्यूज को पढ़ेंगे मेरे साथ। चलिए तो पहली न्यूज है, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सून लॉन्च अ नेशनल वाइड कैंपेनिंग हर घर तिरंगा। आपको पता है बहुत सारा, हर घर नल से जल, हर घर राशन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, है ना, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं घर से लिंक कर रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग स्टार्ट कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि इस बार क्या हर घर तिरंगा, पर ये हर घर तिरंगा किस लिए? टू इंस्पायर कंट्रीमैन टू होस्ट नेशनल फ्लैग एट दियर होम्स टू मेक द 75th इंडिपेंडेंस डे। देखो सिंपल सी बात समझो, भारत ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसीलिए आजादी के आजादी के अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे अब तक एट द रेट 75, मतलब हम लोग भारत 75 साल अपने कंप्लीट करेगा 2022 में, इसीलिए हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, आने वाले जो 25 साल हैं, सरकार ऐसा मान रही है कि जब हम 2047 पर होंगे तब हम लोग अपनी आजादी के 100 साल कंप्लीट कर चुके होंगे। इन 100 ईयर को कंप्लीट करने में 25 ईयर बचेंगे, और ये 25 ईयर को गवर्नमेंट अमृत काल मान रही है। क्या मान रही है? अमृत काल मान रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो आजादी का अमृत महोत्सव हम 2022 में बराबर मना रहे थे, बराबर सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ये इसीलिए था क्योंकि 75वां जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी लोग घर में एक तिरंगा लहराएंगे, और ये एक कह सकते हैं एक यूनिटी को शो करेंगे, एक यूनिटी को प्रदर्शित करेंगे कि भारत भाग्य विधाता हो या भारत को बड़ा करने की बात हो, हम सब लोग यूनाइट हैं और भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट कर रही है, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है कि आने वाले 15 अगस्त 2022 के दिन सारे लोग अपने घर में एक तिरंगा लहराने का काम करेंगे। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं, सेकंड न्यूज की तरफ। सेकंड न्यूज क्या है? इंश्योरेंस की रेगुलेटरी एक बॉडी है जिसका नाम है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी दो टास्क फोर्स बनाए हैं। कितने बनाए हैं बॉस? दो टास्क फोर्स बनाए हैं टू सॉर्ट आउट इश्यूज बिटवीन, इश्यूज चल रहे हैं किनके बीच में चलते हैं, तो इंश्योरर्स एंड री इंश्योरर्स, मतलब कहने का मतलब है जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उनके बीच में, या जो पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं उनके बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, उन इश्यूज को रेगुलेट करने के लिए या उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, प्रॉब्लम के लिए IRDAI ने एक कमेटी बनाए हैं या दो कमेटी का निर्माण किया जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें जो इंश्योरर और री इंश्योरर के बीच में चल रहे हैं। क्लियर और नॉट? तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि IRDAI का चेयरपर्सन कौन है। चलिए अगली तरफ चलते, आगे की तरफ। RBI, जैसा कि आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में हो रहे चाहे गेटवे पेमेंट हो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट हो, चाहे गूगल पे हो, UPI हो, किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट हो, RBI बहुत निगरानी रखती है पेमेंट के ऊपर। ऐसे ही कुछ चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन से, या कह सकते हैं कि रेजर पे ने अपना एप्लीकेंट डाला था RBI के पास, और RBI ने इनको पेमेंट एग्रीग्रेटर के तौर पर एक लाइसेंसिंग इशू कर दिया। पेमेंट एग्रीग्रेटर क्या है उसको समझ लें। जब आप कभी वेबसाइट पर, किसी भी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं, आपने भी देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट या वेबसाइट के समूह पर विजिट करते हैं, तो आप जब उसका पेमेंट करने जाते हैं, चाहे सोशल मीडिया साइट हो, कहीं पर भी जब आप पेमेंट करने जाते हैं, तो पेमेंट का मेथड होता है और वहां पर आपसे
वहां पर आप देखिएगा तो अभी तक जो रेजर पे था एक गेटवे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। आप देखिएगा जैसे आप पेमेंट करेंगे तो लिखेगा कि वेट फॉर वाइल गेटवे इज प्रोसेसिंग, जब तक इंतजार करिए जब तक गेटवे अपना काम नहीं कर लेता। गेटवे का कुछ नहीं, दो अकाउंटों को जोड़ने का काम होता है, बस इतना आप समझ ले गेटवे। और ऐसे हब भी होता है, ब्रिज भी होता है, स्विच होता है, राउटिंग होता है, कनेक्टिविटीज का काम करते हैं, दो इंटरनेट, दो प्रोटोकॉल, दो लेयर्स, दो एल्गोरिथम को जोड़ने का काम गेटवे कर रहा है, इतना आप समझ लीजिएगा। अभी तक रेजर पे ऐसे इस्तेमाल हो रहा था, अब रेजर पे को एक पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब हो गया। जैसे कि आप जब पेमेंट करने जाते होंगे तब आपको फोन पे दिख रहा होता है, फोन पे दिखता होगा आपको, गूगल पे दिखता होगा, है ना, ऑप्शन दिखते होंगे, क्रेडिट कार्ड दिखता होगा, डेबिट कार्ड दिखता होगा, अब उसमें रेजर पे का भी ऑप्शन दिखेगा। इसका मतलब है एग्रीगेटर, एग्रीगेटर का मतलब है मीडियम। अब आप रेजर पे के माध्यम से भी पेमेंट कर पाएंगे। अभी तक जो रेजर पे था वो केवल केवल गेटवे में इस्तेमाल होता था। जैसे आप एग्जामशाला की वेबसाइट पर जाएंगे www.examshala.org और वहां पर टेस्ट सीरीज जब आप परचेस करेंगे तो लिखा आएगा गेटवे इज प्रोसेसिंग, और जब वो गेटवे जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे वो रेजर पे था। पर आप पेमेंट किसी रेजर पे के इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर रहे थे, आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे होंगे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या भीम वाला, या हो सकता है इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे। अब इंस्ट्रूमेंट के तौर पर रेजर पे भी काम करेगा और आरबीआई ने इसको लाइसेंस दे दिया है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। आरबीआई लाइसेंस इश्यू करता है, लाइसेंस को कह सकते हैं कैंसिल करता है और लाइसेंस पर निगरानी रखता है। आरबीआई का एक एक्ट है, सॉरी आरबीआई के द्वारा बनाया गया एक एक्ट है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और आरबीआई जिससे रेगुलेट होती है वो होती है आरबीआई एक्ट 1934। चलिए तो इतनी बात आई होप क्लियर हुई होगी। बड़े आराम से आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगली न्यूज, न्यूज काफी है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहां पर आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज करी है, किसके ऊपर, ओला फाइनेंसिंग सर्विसेज के ऊपर, कितने करोड़ की, 1.67 करोड़ की। फिर बता रहा हूं जब भी आरबीआई पेनल्टी लगाएगी, पेनल्टी क्यों लगाई है पहले उसको समझ लेते हैं। आरबीआई इंपोज अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑन ऑफ रुपीज 1.67 करोड़ ऑन ओला फाइनेंसिंग सर्विसेज फॉर नॉन कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजन ऑफ द मास्टर डायरेक्शन ऑफ द पीपीआई। पीपीआई का मतलब होगा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। पीपीआई की कुछ गाइडलाइन होगी, पीपीआई की जो गाइडलाइन है, डायरेक्शंस हैं, कंप्लायंस हैं, डायरेक्शंस हैं, और कंप्लायंस का मतलब का डायरेक्शन का मतलब होगा निर्देश है, और कंप्लायंस का मतलब होगा प्रोटोकॉल यानी रूल्स हैं, और प्रोटोकॉल और रूल्स को अगर तुमने फॉलो नहीं किया, किया नहीं होगा ओला ने, इसी ने पेनल्टी लगा दी आरबीआई ने 1.67 करोड़ की। एक्सिस बैंक के ऊपर भी लग चुकी है, एचडीएफसी के, आईसीआईसी बैंक के ऊपर की, केनहना बैंक के ऊपर भी पेनल्टी लग चुकी है, और इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया। अगर मेरे वीडियो में आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब वीडियो खत्म हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि ये चीज मुझे क्लियर नहीं हुई, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में कर लूंगा। हो सकता है कि आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने ये चीज पहले भी बताई है तो आपने मेरे पहले वाली वीडियो नहीं देखे होंगे, तो बीक में सिर्फ एक वीडियो लाता हूं उसको देख लीजिएगा, काफी चीजें ओवरलिंक हो जाएंगी। अच्छा एक चीज और है कि अगर आप बहुत सारी तैयारी चाहते हैं और कहते होंगे इतने से करंट अफेयर में क्या होगा, तो बिल्कुल नहीं परेशान होना, उसके लिए भी मैंने अपना जो वीकली मंथली करंट अफेयर आता है उसका हमने पैकेट टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम का नाम है एग्जामशाला, ठीक है, एग्जामशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप अभी से ज्वाइन कर लें, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से ज्वाइन कर लें, वहां पर हर मंथ का करंट अफेयर 200 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चलते चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी जो है, आप सभी जानते हैं कि पीयूष गोयल साहब के पास तीन मिनिस्ट्री है, कौन कौन से मिनिस्ट्री के डिवीजन है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर साहब पीयूष गोयल साहब हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट कहते हैं। अब निफ्ट का यह कौन सा संस्करण था मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, 14 नंबर का, 15 नंबर का, 16 नंबर का, 17 नंबर का, ए बी सी डी और ई का ऑप्शन है नन ऑफ दीस। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इनमें से कौन सा संस्करण था। निफ्ट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक नया इनोग्रेशन किया गया है, उनमें से कौन से नंबर का इनोग्रेट किया गया है, जो पंचकुला हरियाणा में किया गया है। आप फोटो अगर साफ देख पा रहे होंगे तो इनमें पीयूष गोयल साहब खड़े हुए हैं और उनके बगल में है, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी से मुझे एक क्वेश्चन याद आता है, अभी एक मैडम थी जिनका नाम था डॉक्टर सोनू फोगाट, इसीलिए याद आ गया, सोनू फोगाट जी जो हैं, इनकी एक बुक थी अश,
अष्टांग योगा, याद है ये आपको अष्टांग योगा। हाँ, हरियाणा के सीएम साहब ने इस किताब का विमोचन किया था और इस किताब का विमोचन करते समय उस फोटो में, उस तस्वीर में सोनू फोगाट भी थी और साथ ही साथ अष्टांग योगा का इनोग्रेट करते हुए, विमोचन करते हुए कौन थे साथ में, हरियाणा के सीएम भी थे। और आज की फोटो में भी आप देख पा रहे कि जब निफ्ट का इनोग्रेशन हुआ उस समय पीयूष गोयल साहब थे, जो तीन मिनिस्ट्री हैं जिनके अंडर में, कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी मिनिस्ट्री है, और मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के सीएम है वो भी प्रेजेंट है। क्लियर और नॉट, मनोहर लाल खट्टर जी ने, हरियाणा के सीएम ने एक सुषमा स्वराज अवार्ड भी लॉन्च किया है। किस लिए किया है कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, द गवर्नर ऑफ बांग्लादेश हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट एमडी मुस्ताफिजुर रहमान एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया। इंडिया के लिए जो देवदूत का काम करेंगे, बांग्लादेश की तरफ से एम्बेसडर का काम करेंगे, एज अ कमिश्नर की तरह से, कमीशन की तरफ से काम करेंगे, वो कमिश्नर के तौर पर रहमान जी, मुस्तफिजुर रहमान जी काम करेंगे, जिन्होंने किसको रिप्लेसमेंट किया है, मोहम्मद इमरान को। तो याद करना है तो बड़े आसान से कह सकते हैं कि इमरान को, किसको, इमरान को रिप्लेस किया रहमान ने। किसने रिप्लेस किया है, रहमान ने रिप्लेस किया है। रहमान अब नए रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसकी तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, किसके लिए, इंडिया के लिए। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, एक मैडम है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, यूएस को। मतलब यूएस में जब जाएंगे या कहीं बाहर जाएंगे तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, उन मैडम का नाम आपको बताना है। रुचिता नाम है शायद, रुचिता खंबोज नाम है, चलो मैं बता दिया, अगर रुचिता खंबोज नाम है उनका, तो अगर आपको ये पता चल गया तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया, चलो ये बता देना आप, ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, एक क्वेश्चन रहेगा। अब इंडिया की तरफ से रुचिता खंबोज रिप्रेजेंट कर रही है और बांग्लादेश की तरफ से इंडिया को कौन रिप्रेजेंट, इंडिया में कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो रहमान जी करेंगे। किसको रिप्लेस किया है, इमरान जी को रिप्लेस किया है। क्लियर हो गया होगा ये न्यूज आपको, ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते। अच्छा, बांग्लादेश से क्वेश्चन है, बांग्लादेश में अपना इंडिया का एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है बोंगो सागर। ये बोंगो सागर का एक एडिशन होने वाला है, वो एडिशन का नाम कमेंट में बताएंगे, और मोंगला में एक एक्सरसाइज होने वाली है, मोंगला में एक एक्सरसाइज होने वाली जिसका नाम है बोंगो सागर। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोंगला में जो एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम क्या है, बोंगो सागर है, जो बांग्लादेश की तरफ से होगी, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होगी, बायलेटरल एक एक्सरसाइज है, इसका कौन सा एडिशन इंडिया जो है वो इस बार बांग्लादेश के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो गया, पिछला वाला भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें, इसके पहला लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें, और पहला लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें, उसके पहले वाला लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें, ये वाला भी ले लें। भाई बच्चे नाराज हो जाते कि आप हटते नहीं हैं साइड में, हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सारे पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, सब जानते हैं कौन है, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, वो है राजनाथ सिंह। कौन है भैया, राजनाथ सिंह, फोटो भी मैंने लगाकर रखी है, राजनाथ सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज सेट अ टारगेट ऑफ 1,75,000 करोड़, मैं इधर लिख रहा हूं 1.75 लाख करोड़ का टारगेट किया है, टारगेट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन 2025, 2025 तक इंडिया में जो, मतलब जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन होगा वो होगा 1.7, मतलब जो इंडिया की जो आर्मी है या इंडिया डिफेंस जो है उसके लिए राजनाथ सिंह जो बजट एलोकेट करने वाले हैं 2025 तक के लिए, वो रहेगा 1.75 लाख करोड़। आगे कह रहा है विच इज इंड्यूस टू एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ रुपीज, इसका मतलब है 35,000 करोड़ रुपए जो है ये हम लोग, जो टोटल तो इतना फंड एलोकेट हो रहा उसमें से 35,000 करोड़ रुपए जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट में लगा देगा। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया जो हम खरीद रहे थे ना, अभी तक हम लोग बाहर से खरीद के ला रहे थे,
उतने का नहीं खरीदेंगे, मतलब कहने का मतलब है हम डोमेस्टिक इतना डिफेंस का वेपन्स बनाकर रेडी कर लेंगे और मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे। टोटल इतना खर्चा हो रहा है, उसमें से इतना खर्चा जो है वो होने से बच जाएगा, क्योंकि हम इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं, इंडिया के डिफेंस सर्विसेज है, उस पर काम करने वाले हैं। ये आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं चलिए अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस, देखो अभी इस समय वो कहते हैं ना कि सावन का महीना, दिल करे शोर जियारा रे झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर, ऐसे कोई गाना है। सावन का महीना बहुत पवित्र महीना माना जाता है, गुरु पूर्णिमा के बाद जो महीना स्टार्ट होता है या हिंदी मास जो बोलते हैं वो सावन का महीना होता है। और इस सावन का महीना सिर्फ भगवान के लिए, भगवान शंकर के लिए बनाया गया है। अब क्या है उसके पीछे लॉजिक, वो कहानी कभी आपको सुनाएंगे हम। द वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेला, श्रावणी मेला जो है यानी जो अपन हिंदी में अगर बोले तो सावन का मेला, ठीक है। वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेला बिगिन एट अवैधनाथ टेम्पल एट देवगढ़, ये आंसर याद रखना। देवगढ़ एक मैं लिख देता हूं, मैं इसे क्वेश्चन कराने वाला हूं अभी आपको। देवगढ़ में इसको, देवगढ़ को देवग्राम भी बोला जाता है, देवग्राम भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो देवग्राम है। कहां पर है ये? तो ये झारखंड में है, झारखंड के अंदर है, ठीक है। अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि एक वर्ल्ड फेमस मेला है जिसका नाम है श्रावणी मेला या सावन का मेला, जो देवग्राम में होगा। अब ये यहां पर क्यों होगा? क्योंकि बाबा बैद्यनाथ का यहां मंदिर है। बाबा बैद्यनाथ का मतलब होगा शंकर भगवान का मंदिर है, और शंकर भगवान का जो 12वां ज्योतिर्लिंगस है, मतलब हम लोग कहते ना कि हमने 11, 12, 10 सुना होगा आपने, तो 12वां जो ज्योतिर्लिंगस है वो कहां पर है? तो हमारे देवग्राम में। और इसी के चलते वहां पर भगवान शंकर के इस पवित्र मास में वहां पर बहुत बड़ा एक मेला का आयोजन किया जाता है, और इस मेला का आयोजन हो चुका है। अब इसके साथ इस देवग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे याद आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी उड़ान योजना को, आपको सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड दिया था। किस कैटेगरी में? इनोवेशन की कैटेगरी में, है ना। प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड उड़ान स्कीम को मिले था। इसका फुल फॉर्म होता उड़े देश का आम नागरिक। टारगेट है इस बार के हमारे देश में 220 न्यू एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। उसी योजना के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी ने देवघर में, जिसको बोलते हैं देवग्राम के अंदर, नया, अब क्वेश्चन यहां पर पूछ लेगा रिसेंट में मोदी जी ने कहां पर नया एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया, तो देवग्राम में। तो यहां पर आप लिख सकते हैं न्यू एयरपोर्ट, क्या लिख सकते हैं? न्यू एयरपोर्ट इन देवग्राम, क्लियर। क्या लिख सकते हैं? न्यू एयरपोर्ट इन देवग्राम, क्लियर हो गया। जल्दी से स्नैपशॉट ले ले, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कैसे भज्जा जी, हमारे इधर का क्वेश्चन है, हम इतनी के हैं बुंदेलखंड के, और अगर आप lallantop.com देखते हो तो सौरभ द्विवेदी भी बुंदेलखंड के हैं। एक ऐसा रीजन जो बहुत पिछड़ा हुआ रीजन माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये जैसे अपन उत्तर प्रदेश का, मैं कई बार क्लासेस में बच्चों को डिस्कस भी कर चुका हूं, जैसे उत्तर प्रदेश का मैं मैप बनाकर बताता हूं, जहां तक मुझे याद है, मैंने जब पढ़ता था तब बनाता था, तो ऐसा कुछ एक मैप है। यहां लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर जिसका नाम है, और ए वाला जो रीजन है, मतलब कुछ उत्तर प्रदेश का रीजन, कुछ मध्य प्रदेश का रीजन को अपन बुंदेलखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का विकास बड़ा दुर्लभ था अब तक, क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जो है वो बघेलखंड भी है, पूर्वांचल भी है, अवध भी है, नवाबों का शहर भी है, मेरठ की तरफ पश्चिमी है, तो इतनी सारी जगह, जब यूपी अगर कभी स्प्लिट हुआ तो वो चार कैटेगरी में तो हो गई होगा, उनमें से एक बुंदेलखंड रीजन होगा। इस बुंदेलखंड रीजन में अभी तक पानी की समस्या चल रही थी, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। पानी की समस्या चल रही थी, उस पानी की समस्या को निपटने के लिए बुंदेलखंड के इस ओरछा वाले रास्ते से एक नदी गुजरती जिसका नाम है बैतवा नदी। क्या नाम है? बैतवा नदी। और इस तरफ रास्ते से जो गुजरती उसका नाम है केन नदी। इसी बुंदेलखंड की पानी की समस्या को दूर करने के लिए बजट में इस बार कितना फंड एलोकेट हुआ है केन बैतवा प्रोजेक्ट के लिए? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कितना फंड एलोकेट हुआ है जिससे बुंदेलखंड में पानी की समस्या को खत्म किया जाए और इन रिवर्स को इंटरलिंक किया जाए। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ये बुंदेलखंड का रीजन हो गया। अब इसी बुंदेलखंड में रीसेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में आता है और कुछ मध्य प्रदेश में भी इसका रीजन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विल विजिट, मतलब ये क्वेश्चन
बीक का उठाया था, लेकिन हो चुका है, आज के दिन इनॉग्रेशन हो चुका है, तो हम ऐसा बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी विजिटेड एट उत्तर प्रदेश एंड इनॉग्रेटेड बुंदेलखंड एक्सप्रेस एट, बहुत ध्यान समझना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस मतलब अभी तक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट एक्सप्रेस वे हैं। कितने हैं टोटल? 13 है, जिनमें से नॉट वर्किंग मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो 7 है, और जो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग का मतलब जो चालू हालत में है, वो टोटल कितने हैं? 6 है। तो इंडिया का पहला एक ऐसा स्टेट जहां पर हाईएस्ट एक्सप्रेस वे है, और उसमें टोटल कितने हैं? 13 है, ये टोटल बता दिया मैंने, जिसमें से जो वर्किंग है वो 6 है, नॉट वर्किंग कितने हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं? 7 है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण हो चुका है, और ये जो है एक खेतरी एक विलेज है इन उरई में, उरई जो तहसील है किसकी? जालौन जिले की, एक जालौन जिला है उसकी एक तहसील है उरई, उरई के एक विलेज का नाम है खेतरी, यहां से इसका इनॉग्रेशन मतलब यहां से ये चलना शुरू हुआ, इसके अंदर से 7 बड़े शहरों को कवर करेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस। मैंने कुछ इस तरीके की तस्वीर दिखाई है, शायद अब यूपी में विकास होने की संभावना है। क्यों विकास होने की संभावना है? क्योंकि अभी तक विकास लखनऊ तक ही रुक जाता था, अब विकास कहीं ना कहीं घर घर पहुंच रहा है। और अगर यूपी से एक क्वेश्चन मुझे और आते आता है कि उत्तर प्रदेश में यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 58,000 विलेजेस में फ्री वाईफाई देंगे, और वो भी हाई वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है, अब किससे गवर्नमेंट टाई अप करती है वो बात की बात है, लेकिन फ्री वाईफाई मिलने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन को मैंने बढ़िया तरीके से बता दिया और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। कैन बेतवा प्रोजेक्ट को कितना पैसा एलोकेटेड हुआ ये बताना है। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नाराज हो रहा होगे कि अरे सर हटते ही नहीं है। चलिए तो फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट कमेटी है ऑन इकोनॉमिक, ध्यान समझिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CEA, आप जानते हैं ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक इकोनॉमिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट होता है, आप समझिएगा कैबिनेट कमेटी उस इकोनॉमिकल अफेयर्स जो डिवीजन है उसकी एक कमेटी है CCAE, मतलब इस डिवीजन में एक कमेटी बनाएंगे CCEA, और CCEA अप्रूव किया है जिसका नाम क्या है, तरंगा हिल अंबाजी अंबू रोड। ये बहुत ध्यान सुनना, हमारे देश में बजट में पहले तो मैं आपको बता देता हूं 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन बनने वाली है, कितनी बिटू? 400, बहुत ध्यान समझना। अब बजट में कितने किलोमीटर का क्वेश्चन है मेरा, कितना किलोमीटर का बजट में गवर्नमेंट ने, कमेंट बॉक्स में बताना है, गवर्नमेंट ने कितना किलोमीटर टारगेट रखा है कि अंडर कवच योजना के थ्रू कितने किलोमीटर नया रोड बनाने वाले हैं, नया पटरी बिछाने वाले हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया 400 वंदे भारत ट्रेन बनेंगे, अगला क्वेश्चन आगे की तरफ बताऊंगा, पर उससे पहले इसको समझ लेते हैं। जो न्यू रेल लाइन है, देखो न्यू रेल लाइन तो आपको यही बताना है, न्यू रेल लाइन कितनी बनने वाली है, कितने किलोमीटर की बनने वाली है इन गुजरात एंड राजस्थान। देखो भैया अगर अपन इंडिया का मैप बनाते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया के मैप जब बनाते हैं तो यहां अपना दिल बनता है ये गुजरात है और इसी से जुड़ा हुआ राजस्थान का क्षेत्र है। अच्छा गुजरात जो है, गुजरात से राजस्थान की कनेक्टिविटी अच्छी होता कि पब्लिक का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा तो लोग गुजरात आ सकें, गुजरात के लोग इन्वेस्ट करने राजस्थान जा सकें, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पब्लिक का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। कई लोग कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलाने की क्या जरूरत है, बिल्कुल है। सोचिए जरा अगर एक अहमदाबाद का व्यापारी एक दिन में अपना पूरा काम महाराष्ट्र से करके रिटर्न आ जाता है तो कितनी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बुलेट ट्रेन बिल्कुल चलनी चाहिए, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, वैसे कोई परेशानी नहीं है। राजस्थान की कनेक्टिविटी करने के लिए एक नया जो अप्रूवल मिला है इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिपार्टमेंट से, और वो है तरंगा हिल अंबाजी अंबू रोड, और ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार मतलब रेलवे डिवीजन हमारी एक नई रेल लाइन बनाएगी, जो रेल लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन होंगी बहुत जल्दी, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसी प्रोग्राम के चलते हुए गवर्नमेंट कह रही है कि हम 100
100 न्यू प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे। मालगाड़ी बनाने वाले डिब्बे जो होते हैं उसके लिए 100 कार्गो टर्मिनल बनाएंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति। और पहला कार्गो टर्मिनल बन चुका है आसनसोल वेस्ट बंगाल में, ऐसे 100 बनाएगी गवर्नमेंट। साथ ही साथ गवर्नमेंट एक चीज को और प्रमोट करेगी, बजट के अंदर ही बताया है, जिसका नाम है मैं इसको रफ कर रहा हूं इसलिए बुरा मत मानिएगा, रफ करके मैं बता रहा हूं, गवर्नमेंट प्रमोट करने वाली है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। एक स्टेशन का एक प्रोडक्ट को लिए प्रमोट करेंगे। जैसे आप सूरत आइए तो वहां का कुछ फेमस है, आप बड़ौदरा जाइए वहां का कुछ फेमस है, आप आगे चले जाइए रतलाम तो वहां का कुछ फेमस है, इंदौर चले जाइए वहां का कुछ फेमस है, लखनऊ चले जाइए, कानपुर चले जाइए, औरैया चले जाइए, कहीं पर भी जाएंगे वहां स्टेशन का कुछ ना कुछ फेमस है। इसकी वजह से लोग जो लोकल वेंडर हैं उनके लिए काफी हेल्प मिलेगी। आप वोकल फॉर लोकल आपने नारा भी सुना होगा, ठीक है, तो इस तरीके का कुछ एक इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा। और उसके लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्या बनाने के लिए, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान और गुजरात के बीच में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। अगला क्वेश्चन से पहले मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन फाइनेंस, देखो बहुत ध्यान सुनना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो SIB यहां लिख लेता हूं has recommended जी राज किरण राय फॉर पोजिशन ऑफ MD एट द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFIT, मतलब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए MD एंड CEO बनाने के लिए जी राज किरण राय को रिकमेंड किया है FSIB ने, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो। अरे अभी तक तो हम बताते थे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो बताता है, अब तो मैं नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो देखो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है यह बना था किसके रिकमेंडेशन से, मैं बता रहा हूं, PJ नायक कमेटी के रिकमेंडेशन से। कब बना था? 2016 में बना था। क्यों बना था? क्योंकि जो बैंक की हायर बॉडी है, बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो हायर बॉडी है, हायर बॉडी का मतलब हो गया जो ऊपर लेवल पर बैठा हुआ मैनेजमेंट है, जैसे MD हो गया, CEO हो गया, चेयरपर्सन हो गए, चेयरमैन हो गए, किसी संस्था के इंस्टीट्यूशन के किसी कोई डायरेक्टर हो गए, डेप्यूटी डायरेक्टर हो गए, इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए, फाउंडर, ऐसे मतलब मेंबर्स जो बड़े डिसीजन ले सकते हैं, वो कहीं नेपोटिज्म के चलते उनको ना बना दिया जाए जो बंदे काबिल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोगों का पैसा जाता है और लोग बैंक डूबती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया। और बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता है, गवर्नमेंट क्या, बैंक बोर्ड ब्यूरो देखो क्या करता है, कोई भी बैंक अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने बड़े मैनेजमेंट को चेंज करना चाहेगी तो बैंक बोर्ड ब्यूरो उनको सजेशन देगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो उनको सजेशन देगा, उस सजेशन को उन्हें मानना पड़ेगा या ये बैंक भी उनको बता सकती कि मैं इसको रखना चाहते हैं। अप्रूवल बैंक ऑफ बैंक RBI को पूछता है, RBI प्रधानमंत्री ऑफिस में अप्रूवल के लिए भेजते हैं, एडवाइजर हेड होता है वो मोदी जी से, मतलब प्रधानमंत्री से बात करता है, प्रधानमंत्री अप्रूवल देते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो के पास आता है, वो बैंक में डन हो जाता है। एक तो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बैंक बोर्ड ब्यूरो खुद सजेशन देती है और सीधा सिलेक्ट करा देती। अब यहीं पर यही सजेशन हुआ है, क्या हुआ था, फाइन, अब बैंक बोर्ड ब्यूरो ने, समझ लो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने जी राज किशन राय, क्या राज किरण राय को रिकमेंड किया है कि भैया इनको किसका, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का MD बना दिया जाए, ये रिकमेंड किया है। लेकिन मैं तो बैंक बोर्ड ब्यूरो नाम बता ही नहीं रहा हूं, मैं तो नाम बता रहा हूं फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो, क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम चेंज होकर क्या हो गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो गया है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो। क्लियर हो गया कि नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो या फाइनेंस सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो। क्लियर हो गया, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलो डन, चलिए अगला क्या है, अगला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द नेशनल एम्बलेम कास्ट ऑन द रूफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। पहले तो ये बताइए जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही, इसको बनाने का ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट किसने, कंपनी ने लिया है, ठीक है, पहला।
दूसरा आप ये आप देख रहे होंगे, सब लोगों ने बड़ा कहा कि अब पहले जो होते थे ना, पहले जो कह सकते हैं एम्ब्लेम था उसमें आप देखते थे टाइगर था, वो मतलब मुंह बंद था उसका, इसमें रोर कर रहा है, मतलब दहाड़ रहा है। तो पहले जो था वो कहते थे, दो फोटो लगी हुई थी, पहले वाले की लगी थी बिफोर एंड आफ्टर लगी थी, पहले का मतलब था फर्क साफ है, वह चल रहा है ना मार्केट में, फर्क साफ है, पहले हम लोग चुप रहते थे, अब हम चुप नहीं रहेंगे, इसलिए इसका मुंह खुला हुआ रोर कर रहा है। तो ये नेशनल एम्ब्लेम जो बनाया गया है किसके ऊपर बनाया गया, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर बनाया गया है। इसको किस, इसको डिजाइन जो है वो डिफरेंट सिटीज में किया गया, पर मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है, मतलब बनाया किसने है, बनाने वाले का नाम बताइए, उस पर्सन का नाम बताइए, दो लोग हैं उनका नाम मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ये मैं बता देता हूं, ये बनाया है टाटा ने। किसने, किसको मिला है, टाटा कंपनी को मिला है, किसका, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप फोटो देख पा रहे होंगे नेशनल एम्ब्लेम का, जो कहां पर किसकी छत पर लगा हुआ है, किसकी छत पर लगा हुआ है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की, बहुत जल्दी ये पार्लियामेंट बनकर रेडी भी हो जाएगा। चलिए अगले आगे की तरफ चलते हैं, बस ये एम्ब्लेम किसने बनाया, किसने मैन्युफैक्चरिंग किया, उन पर्सन का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आगे चलते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताने से पहले भैया लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा शेयर यार किया करो वीडियो को, हम लोग इतना बढ़िया मेहनत तो करते हैं आपके साथ साथ, और देखो यार एकदम सही बात बताते हैं, एक स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे टीचर्स पड़े हैं मार्केट में, पर टीचर को कौन मोटिवेट करता है, कभी आप सोचिएगा, एक टीचर जो 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे कोई भी टीचर हो, मैं हमेशा बोलता हूँ टीचर सारे अच्छे हैं, जितने भी इंडिया में टीचर अवेलेबल हैं मेरी नज़र में सब अच्छे हैं, सब बहुत एफर्ट करते हैं, और अगर बच्चे उसके साथ एफर्ट करते हैं तो वो और ज़्यादा एफर्ट करते हैं। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आप और एंथुजियाज्म से पढ़ रहे हैं और क्यूरियोसिटी से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं, तो टीचर को लगता है कि बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, और बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है इसका मतलब है टीचर और अच्छा कंटेंट डिलीवर करता है, पहली बात तो ये। दूसरा, टीचर जब मोटिवेट होता है, जब आपका सिलेक्शन होता है या फिर आप उसको मोटिवेट करते हैं, कहने का साफ मतलब है, आप मोटिवेट करने का मतलब आप लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, कमेंट कर दिए, बता दिए कोई प्रॉब्लम है, इशू है, एकदम घर की तरीके से चलता है। आप अगर मोटिवेट करने का काम करेंगे तो टीचर आपको बेस्ट सर्विसेज देगा। जानते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा एक रास्ते का निर्माण करने वाला मेंटर टीचर होता है, गुरु, गुरु बहुत बड़ी चीज है, टीचर गुरु हो ही नहीं सकता, मैंने कई बार ये बताया आप लोगों को, लेकिन मैं आज ये बता रहा हूं कि टीचर जो है, मार्गदर्शक जो है, वो मोटिवेट तभी रहता है जब आप उसको मोटिवेट करते हैं, आइदर सिलेक्शन लेकर, आइदर उसको थोड़ा सा सेटिस्फाइड करके, तो इन दोनों चीज और सेटिस्फाइड करके, तो थोड़ा सा इन दोनों चीजों पर ध्यान देके चलें। लाइक भाई तो बिना बोले कर दिया करो, अपने पे नहीं, जिसका भी वीडियो देखो और अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दिया करो, ताकि उसको भी लगे कि नहीं यार देखो इतने लोग देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं वीडियो को, नहीं तो वो इंप्रूव करे, पसंद नहीं कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा करेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम है, उसको इंप्रूव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कमियां जरूर बताएं, क्योंकि कमियां नहीं बताएंगे तो लोग सुधार नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज क्या है, अरे भैया ये न्यूज ऐसी है ना कि इसको सुनाने से पहले मुझे, मतलब मैंने जब ये न्यूज सुनी थी तो मुझे मजा आ गया था। कहते हैं कि एक फिल्म आई थी, मुझे याद नहीं उसका नाम, पर कहते हैं कि फौजी इस उमरिया में लोग काशी हरिद्वार जाते हैं, तुम काहे इन पत्थरन के बीच मनने चले आए, ऐसी एक मूवी थी बजीरा करके शायद उस मूवी का नाम था। इसमें जो जितने फौजी रिटायर थे वो अपनी गैंग बनाकर एक डाकू को मारने जाते हैं, वो डाकू ये डायलॉग बताता है कि इस उम्र में लोग काशी हरिद्वार जाते हैं, तुम यहाँ पत्थरन के बीच काहे मरने चले जाए, ये उसका डायलॉग था। इसका मतलब ये था कि तुम यहाँ पत्थरों के बीच में क्यों मरने चले आए, उम्र ऐसी हो गई कि काशी हरिद्वार जाओ, भगवान का नाम लो। द मीनिंग इज सिंपल कि वो ये बताना चाह रहा है आपकी एज ज्यादा है और आप अब काबिल नहीं है कुछ बड़ा करने के। पर देखिए ना, यहाँ पर आपको भगवानी देवी दिखाई देंगी जिनकी उम्र 94 ईयर है, जो स्प्रिंटर है फ्रॉम इंडिया से और गोल्ड मेडल जीती है 100 मीटर स्प्रिंट रेस में, वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में। आप सोचिए 94 साल की उम्र में, मुझे याद है कि अगर 10-60 साल का हो जाए तो 5 लोगों को बताता है, अरे बूढ़ा आदमी हो गए ना, मतलब बिलीव नहीं करोगे, 50-52 साल का आदमी अगर कुछ कर नहीं पाता तो एक ही डायलॉग बता दे, अब क्या करें उम्र हो गई भैया, अबे उम्र हो गई 50 साल की हो यार तुम, 50 साल कोई उम्र नहीं है। जो बाइडन कितने एज का है तुमको पता है, मोदी जी कितने एज के हैं आपको पता है, एज जस्ट नंबर। और वो भगवानी देवी ने आपको यहां पर बताया है गोल्ड मेडल लाकर, आप सोचिए जरा 94 ईयर एज, 94 साल, और देश के लिए, समाज के लिए और खुद के लिए करने का जज्बा, और आप देख रहे हैं उनकी फोटो लगी है भैया यार, तो आप कहते हैं ना सफल होने के बाद
सितारा बन जाते हैं। तो सफल होइए और प्रयास कार्यरत रहिए। तो क्लियर हो गया होगा, 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल लाई है, कहां पर? वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में, जो कहां पर हुई है? फिनलैंड में, टेम्पेरे फिनलैंड। फिनलैंड कौन है? फिनलैंड एक कंट्री का नाम है, शायद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका पहला स्थान है, ठीक है। और अपना इंडिया का आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्ड एचडीएफसी आईसीआईसी, ये फोटोज भी आपको दिख रही हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, डिफेंस अपना, हमने डिफेंस का एक क्वेश्चन भी किया, वहीं पर बता रहे हैं एचडीएफसी आईसीआईसी और एक्सिस बैंक प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज ओवरसीज प्रोक्योरमेंट। जो ओवरसीज के प्रोक्योरमेंट होंगे उनमें जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने वाली है एचडीएफसी आईसीआईसी और एक्सिस बैंक। बहुत सारी बैंकें हैं जो बहुत सारे फंड रेज करती हैं, बहुत सारी कार्ड फैसिलिटी लाती हैं इंडियन फोर्स के लिए, इंडियन आर्म फोर्स के लिए और इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए। उनमें से एचडीएफसी आईसीआईसी और एक्सिस बैंक प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मतलब मेरे को लगता है लास्ट न्यूज होगी शायद, फिर भी देख लेते हैं। त्रिपुरा जो गवर्नमेंट है, त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज लॉन्च, सबसे पहले मुझे सीएम का नाम बता दीजिए, सीएम का नाम बताइए त्रिपुरा के कमेंट बॉक्स में। त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम नेम्ड अर्न विथ लर्न। कितनी बढ़िया स्कीम है, पढ़ो और कमाओ, सीखो और कमाओ, टू ब्रिंग बैक दोज हु हैड ड्रॉप्ड आउट स्कूल्स फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते जिन बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया था उनको वापस स्कूल बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एक स्कीम लाई है, अर्न विद लर्न, ठीक है। और इस स्कूल के माध्यम से त्रिपुरा गवर्नमेंट काफी ज्यादा लोगों को स्कूल में लाने का प्रयास कर पा रही है। आप सभी को भी पता होगा कि इसी के चलते बहुत सारे स्कूलों ने अलग अलग प्रोग्राम निकाले थे, जैसे ओपन एयर स्कूल, एक किसने, वेस्ट बंगाल ने निकाला था। और ये ऐसा निकाला था कि जो झोपड़पट्टियों में लोगों ने पढ़ाई ब्रेक कर दी है, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन रहेगा, घर घर झोपड़पट्टियों में टीचर जाकर पढ़ाएंगे। ओपन एयर स्कूल मतलब ओपन एयर में स्कूल चलेगा वेस्ट बंगाल की तरफ से, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए फ्री ब्रेकफास्ट फैसिलिटी जो है वो कहां पर कर दी गई है, कहां पर कर दी गई, तमिलनाडु में कर दी गई है। कहां पर कर दी गई है, एम के स्टालिन जो है उन्होंने फ्री ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी कर दी। एम के स्टालिन कौन है पता होगा, सीएम है तमिलनाडु के, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक और स्कूल प्रोग्राम से याद आ जाता है, हॉबी हब स्कूल है, आप सभी जानते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया। स्कूल खत्म होने के बाद अगर कोई बच्चा हॉबी रिलेटेड कुछ सीखना चाहता है, गाना, नचना, रैप करना, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं, आप इस बात को मानिएगा, जो हॉबी है ना ये ट्रेंड को जनरेट करते हैं। जैसे पहले गाना चलते थे, चंदन सावधन चंचल चितवन धीरे से तेरा यूं मुस्काना, आपने सुना होगा कई बार। फिर एक हनी सिंह आए, ट्रेंड बदला, जिस ट्रेंड ने कहा कि पहली बात तो ये है जो तू टिकटॉक चलती है, गाने में रैप आना शुरू हो गया, फिर म्यूजिक के साथ रैप मिक्स हो गया, फिर अब ट्रेंड चला जब बहुत सारे लोग आ गए कि आपने मचाएंगे, सुना होगा गाना है, मलयालम बोलेगी तो मल्लू बन जाऊंगा। ये जो ट्रेंड बन रहा है ना ये हॉबी से डेवलप हो रहा है। आप सोचिए, आपके घर में एक पहले ब्रेड आता था, उस ब्रेड से सिर्फ आप चाय के साथ वो ब्रेड खाकर खत्म कर देते, पर आज आप घर में मम्मी को भी बताओगे, घर वालों को भी बताओगे तो कम से कम 15-20 ब्रेड के आइटम बना लोगे घर में ही। आप ब्रेड से रिलेटेड कटलेट, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होंगी, ब्रेड पाव हो गया आपका, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ब्रेड से आप बना सकते हैं, सैंडविच रिलेटेड कितनी भी वेराइटी बना सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी के मन में विचार आया होगा कि इस ब्रेड के साथ और कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी को भी इंग्लिश में वैसे ब्रेड ही बोलते हैं, लेकिन रोटी की कई जगह ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गुजरात और महाराष्ट्र और थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे तो ब्रेड का इस्तेमाल काफी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से? हॉबी से। तो हॉबी हब स्कूल दिल्ली में, स्कूल खत्म होने के बाद 1-1.5 घंटे की क्लास डेली दी जाती है, किस लिए? कि लोग अपनी हॉबी पर वर्क कर सकें। हॉबी हब स्कूल प्रोग्राम मैंने बता दिया, मैंने आपको ओपन एयर स्कूल प्रोग्राम बता दिया, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए फ्री ब्रेकफास्ट बता दिया। एम के स्टालिन साहब ने नान मुधलवन स्कीम निकाली थी एम के स्टालिन साहब ने, जिस स्कीम के माध्यम से लोगों को स्कूल में आने के लिए अट्रैक्ट किया जाता था। अब क्वेश्चन यह है कि गुजरात
गुजरात गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम का नाम बताना है, प्रोग्राम का नाम बताना जिस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा विद्यालय में। कौन से विद्यालय? जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के विद्यालय हैं उन विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो सके गुजरात गवर्नमेंट। राजस्थान ने भी वैसे बनाया है, पर वो बाल गोपाल बनाया है। मैंने वो लास्ट क्लास में करा दिया था, बाल गोपाल लास्ट क्लास में मैंने ये भी कराया था, गुजरात वाला भी। ये बाल गोपाल राजस्थान ने अट्रैक्ट करने के लिए कि ताकि लोग गवर्नमेंट स्कूल में आकर एडमिशन्स ले सके। तो यहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। और साथ ही साथ आपको बस ये बताना है गुजरात में कौन सा प्रोग्राम है जो एजुकेशन को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ सीएम भी बताने आपको त्रिपुरा के कमेंट बॉक्स में कि कौन सीएम रहे। उसके साथ आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज सेट टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सिटी वाइड शॉपिंग फेस्टिवल फॉर जनवरी। जनवरी आने वाला है जो 2023 का, जो अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप मेरे साथ चल सके। जो 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक चलेगा, और कौन है इनमें से लीड करने वाला? क्या गुजरात है, क्या उत्तर प्रदेश है, क्या दिल्ली है, क्या हरियाणा है? आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से। चलिए आंसर स्क्रीन पर है, दिल्ली है। दिल्ली जो है वो दो दिल्ली जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी वाइज शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली आने वाले जनवरी और फरवरी के महीने में, मतलब जनवरी का लास्ट वीक 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इस प्रोग्राम को लीड करेगी। आगे क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू स्टेट। गुजरात में अभी एजुकेशनल मिनिस्टर की मीट हुई थी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मनसुख मंडाविया ने चलो ये क्वेश्चन आ गया तो बता देते हैं। केवड़िया में मनसुख मंडाविया जी ने हेल्थ शिविर स्टार्ट किया था। मुख्यमंत्री मातृशक्ति स्कीम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, और राजस्थान में इसी स्कीम को आंचल स्कीम कहा जाता है। और यहां पर मुख्यमंत्री मातृशक्ति स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जिसमें 1 किलो चना, 1 किलो तुअर दाल, 1 किलो सरसों का तेल प्रेग्नेंट वुमेन को सहायक आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलेगा। अगला, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर है नेशनल प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये बहुत बढ़िया, याद रखना है, एनपीएसी का नेशनल प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का हेडक्वार्टर कहां पर है? अहमदाबाद के अंदर है। तीन क्वेश्चन, जबरदस्त। अगला, उत्तर प्रदेश, मैंने एक क्वेश्चन कराया है, अभी फ्री वाईफाई देने वाला है। दूसरा, थर्ड एडिशन अवार्ड, जो बॉटर का थर्ड एडिशन अवार्ड था वो किसको मिला है, मतलब तीसरा संस्करण हुआ उसका अवार्ड जो है बॉटर के मामले में उत्तर प्रदेश को मिला। हाईएस्ट एक्सप्रेस भी मैंने बताया, टोटल कितने हैं 13। वर्किंग भी मैंने बताया और नॉन वर्किंग भी बताया, वर्किंग बताए हैं 6 और नॉन वर्किंग बताए 7। ठीक है, ये वर्किंग है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी स्कीम है, बागवानी योजना निकाली गई है, जो जैसे चारा बिजारा योजना आपने सुना होगा, ऐसी बागवानी स्कीम है जो फार्मर के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री उद्यमिता स्कीम के माध्यम से वुमेन एंटरप्राइज को प्रमोट किया जाएगा, और वुमेन एंटरप्राइज जो अच्छा काम करेंगे उनको सुषमा स्वराज अवार्ड मिलेगा वुमेन्स के लिए। क्लियर हो गया, मतलब जो वुमेन एंटरप्राइजेस हैं, जो वुमेन एंटरप्राइजेस बहुत अच्छा काम करेंगी, किसके माध्यम से? मुख्यमंत्री उद्यमिता स्कीम के माध्यम से वुमेन एंटरप्राइज को एक अवार्ड मिलेगा जिसका नाम होगा सुषमा स्वराज अवार्ड। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पूछा भी था आपसे। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भैया फॉर्मर नीति आयोग सीईओ, नीति आयोग के जो सीईओ थे, द टू बी न्यू शेरपा ऑफ G20 समिट को जो अब रिप्रेजेंट करने वाले होंगे वो पीयूष गोयल की जगह पर, पहले यहां पर कौन जाने वाले थे? पीयूष गोयल जी जाने वाले थे, इनकी जगह पर अब कौन इन चार में से देखेगा? क्या नरेंद्र मोदी, सुमन केवेरी, अमिताभ कांत और आर परमेश्वरम अय्यर? आंसर बताओ। ये रहा आंसर, अमिताभ कांत, फॉर्मर बोला है ना, अभी चेंज हुए हैं, नए कौन बने गए? एमडी एंड सीईओ। ये नए एमडी एंड सीईओ है किसके? नीति आयोग के। एक नरेंद्र मोदी जी चेयरमैन है, चेयरपर्सन बोल सकते हैं जिन्हें, सब जानते हैं। ये अभी बनाए गए थे, आप सभी को पता होगा, 22 चेयरपर्सन बनाए गए थे, सुमन के बैरी है ना। नीति आयोग से क्वेश्चन करा देता हूं, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी रिसेंट में लाया था, और एक
ओपन पब्लिक सोर्स प्लेटफॉर्म लाए थे, जहां सर आप देख पाओगे इंडिया में क्या क्या नया होने वाला है। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग इंडिया में आने वाले सालों में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस पर काम करते हैं। इसके जो हेड ऑफ द बॉडी, हेड ऑफ द मैन होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, और इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, सुमन के बेरी वाइस चेयरपर्सन है, और अमिताभ कांत जो थे पर अब वो G20 समिट जो कहां पर होने वाली है आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कौन हमारी तरफ से, पहले कौन कर रहे थे, पीयूष गोयल जी कर रहे थे, उनको रिप्लेस करके कौन कर रहे हैं इस समय, अमिताभ कांत करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट काइंड ऑफ इंडिया राइट टू हेल्थ विल असेंबली। ऐसा कौन सा स्टेट है जो अपने आप में पहला राइट टू हेल्थ विल असेंबली में लॉन्च कर दिया है, बताइए। आंसर है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड। आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान से मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था, आंचल, क्या कराया था आपको, आंचल प्रोग्राम, याद करो, कराया था प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आंचल प्रोग्राम। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है, 10 गीगावाट का सोलर इंस्टॉलेशन राजस्थान में हुआ है, 390 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्लांट अडानी ग्रुप के थ्रू लग रहा, किसके थ्रू, अडानी ग्रुप के। अच्छा, अडानी जी से याद आता है, गौतम अडानी के ऊपर द मैन हू चेंज इंडिया नाम की एक बुक लिखी गई, वो किसने लिखी है नाम बताना है। ठीक है, राजस्थान से वैसे और क्वेश्चन भी करा सकता हूं, राजस्थान से राजीव गांधी खेल रत्न, जो स्पोर्टमैन होते ना उनके लिए अवार्ड बनाया गया है। ठीक है, यानी क्लियर, डन। तो राजस्थान से होगा, ये क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड से क्या क्वेश्चन है मैं बताने वाला हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मन भर जाए आपका। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन है, सी ऑटो स्टैंड आपको पता ही होगा, पहला सी ऑटो स्टैंड आंध्र प्रदेश में पूरी कंप्लीट फीमेल के लिए है, पिंक टैक्सी का प्रोग्राम चलेगा और उनके लिए एक स्टैंड बनाया गया। यंत्र स्कीम भी आंध्र प्रदेश ने बनाई है, आपको सबको पता है, और यहां पर एक नए 13 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, मैंने बोला था ना ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी, याद करो अगले पिछली सेशन में इसके बारे में डिस्कशन किया था, 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। तो ये तीन क्वेश्चन आपको, हरियाणा से व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो सेंड की स्टोन की माइनिंग करके जाते हैं ना, जो बालू वालू की माइनिंग करके जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ई अधिगम स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट, चारा बेजारा योजना हरियाणा गवर्नमेंट। आगे उत्तराखंड, ड्राफ्टिंग कमेटी टू इंप्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहली ऐसी स्टेट जिसने एक कमेटी ड्राफ्ट की है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए। आगे 1000 करोड़ रिसीव हुए हैं वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, जो रेनी फार्मिंग होता है, मतलब जो बरसात में जो फसल होती है उसके लिए 1000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने सहायता के रूप में दिया, लोन के रूप में दिया है। ड्रोन हेल्थ इनिशिएटिव का मतलब है कि पहला ऐसा स्टेट जिस स्टेट में आप जितनी भी मेडिकल इमरजेंसी की सुविधाएं होंगी वो ड्रोन के माध्यम से कंप्लीट की जाएंगी, ड्रोन जो है डिलीवरी के तौर पर काम करेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ लिया। चलो अगला क्वेश्चन, खर्ची फेस्टिवल, बस यहीं रुक जाते हैं, खर्ची फेस्टिवल इनमें से किस स्टेट के लिए है जल्दी से बताएं, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश का है, असम का है, सिक्किम का है कि त्रिपुरा का है, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। अब मैं आपको यहां बहुत सारे फेस्टिवल कराने वाला हूं, आंसर पहले देख लें। आंसर है खर्ची का है आंसर त्रिपुरा, पर मैं बहुत सारे फेस्टिवल यहां पर करा देता हूं। उड़ीसा के लिए राजप्रभा है, नखोई है, दिख रहा है ना पक्का, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। मेघालय का है, अब इतना पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, फिर भी मैं पढ़ता हूं। उड़ीसा के लिए राजप्रभा है, नखोई है, और मेघालय के लिए चेरी ब्लूसम है, ब्लूसम फेस्टिवल है। मिजोरम के लिए चपचार कुट फेस्टिवल है। मणिपुर के लिए लुई नागई नी या सिली लिली लाई हरोबा चेरी ब्लूसम फेस्टिवल है, माउ फेस्टिवल। सिक्किम के लिए पंग लहाम
लाभ सोल सागा ढाबा है मध्य प्रदेश के लिए, नमस्ते ओरछा चिली तानसेन समारोह मंडू खजुराहो डांस फेस्टिवल है, मुंबई के लिए काला घोड़ा, आंध्र प्रदेश के लिए फार्मिंगो फेस्टिवल, गुजरात के लिए इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। आप सभी जानते हैं कि काइट फेस्टिवल हम लोग कब मनाते हैं, 14 जनवरी को मनाते हैं, मकर संक्रांति के दिवस पर यहाँ, ठीक है। गुजरात का हो गया, फगली लोसर कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का पोलदेई है, हॉर्नबिल कहाँ का, हॉर्नबिल नागालैंड का है, अरुणाचल प्रदेश का हॉर्नलैंड, और मोस्टू मोंग कहाँ का है, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, केरला का है ओनम, ओनम तो आपने बहुत बार सुना होगा, ओनम के बारे में तो बड़ा दिखा है, तमिलनाडु में है आदि पिरुक्कू आदि मानसून और पोंगल, और पोंगल तो बड़ा फेमस है, एन ताई पोषण ये है। अब आपने एक सुना होगा साव साव जाओ फेस्टिवल, साव जाओ जाओ या जवाओ जो आओ, साओ जो आओ फेस्टिवल जो गोवा के लिए है, गोवा गोवा के लिए, ठीक है। नहीं ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स और भी करा देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद करें रहे, आप जुड़े रहे मेरे साथ, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आगे चलते हैं, एज पर द रिसेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट नोकिया हैज पार्टनर्ड विद इंस्टीट्यूशन टू सेटअप नोकिया सेंटर एक्सीलेंस इन नेटवर्क रोबोटिक्स। नोकिया जो है, पहले तो ये बताना आप मुझे कि नोकिया जो है, चलो मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, दूसरे तरीके से बताता हूं। नोकिया जानते हैं कि वो बंद हो गई थी, अपग्रेड नहीं करी थी, और अब चाह रही कि अपग्रेड करेंगे और बढ़िया एक एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे, और इसका तो सीधा आंसर आ गया, अच्छा चलो ठीक है। और इसने डबल आईएएस बेंगलुरु के साथ टाई अप किया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन शायद पीछे दिया होगा, फिर नहीं दिया है, चलिए कोई नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोकिया जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस के साथ, सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए नेटवर्क रोबोटिक बनाने के लिए डबल आईएससी बेंगलुरु के साथ टाई अप किया है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिशन वात्सल्य इज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस इन कंट्री इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। पता है जो सेक्चुअल चाइल्ड होते हैं ना, जैसे हरासमेंट चलता है, इसके लिए भी इंडिया ने किसी नए प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया। उस प्रोग्राम का नाम मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा प्रोग्राम है जिसमें इंडिया ने अभी रिसेंट में ज्वाइंट हो गई, जिससे जो इंडिया में सेक्चुअल मतलब जो चाइल्ड सेक्चुअल हरासमेंट चलता है, और जो लोग हरास कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए, लिंक बनाने के लिए केस के साथ किसी कंट्री के प्रोग्राम के साथ पार्टिसिपेट कर लिया, उस प्रोग्राम का नाम बताना है। इसमें पूछा गया कौन सी अम्ब्रेला स्कीम है, जिस अम्ब्रेला स्कीम के माध्यम से मिशन वात्सल्य है वो स्कीम, किस अम्ब्रेला स्कीम, तो मिशन वात्सल्य वो स्कीम है जिसके माध्यम से हम चाइल्ड प्रोटेक्शन कर पाएंगे, और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर या किस मिनिस्ट्री ने उसे इंप्लीमेंट किया है। नाम बताना है आपको, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और स्टील मिनिस्ट्री। चाइल्ड से समझ में आ गया होगा कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री किसके अंडर आ रही है, अमित शाह जी के अंडर आ रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी के अंदर आ रही है। स्मृति ईरानी जी के अंदर आ रही है। स्मृति ईरानी जैसे अभी माइनॉरिटी की भी मिनिस्टर बनी है, क्यों, क्योंकि जो नकवी साहब थे उनका नया इस्तीफा दिया और उनकी जगह बने, और एक स्टील का भी डिपार्टमेंट, और किसका, सिविल एंड एविएशन का डिपार्टमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिल गया है, ठीक है। इनके पास भी एक डिवीजन ऐड हुआ है, और एक इनके लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और स्टील के तो मैंने बता ही दिया आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है ना, क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिजॉइन द एम्बिशियस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने फसल बीमा योजना को ज्वाइन करने का प्रोग्राम तय कर लिया है। आंसर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आंसर विल बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आपको सबको पता है कि आंध्र प्रदेश ने अभी रिसेंट में यंत्र स्कीम लॉन्च की थी, किसके लिए, फार्मर के लिए फ्री ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर प्रोवाइड करने के लिए। तमिलनाडु में अभी एक्सप्रेस नाम का शिप, लग्जरी शिप लॉन्च हुआ था तमिलनाडु के चेन्नई में। चलो एक एक ही क्वेश्चन कराते, चलो फिर भी करा देते। तमिलनाडु के चेन्नई में मैंने लास्ट टाइम कराया था आपको, स्ट्रीट एम्बुलेंस फॉर
एनिमल्स ये लॉन्च किया है। तेलंगाना में मैंने आपको बताया था नेथना बीमा योजना, बुनकर बीमा योजना चलती है। और दूसरा है कि इंडिया का सबसे बड़ा थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाला है, कहां पर? तेलंगाना में। मध्य प्रदेश में एक स्कीम चलती है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति स्कीम, लोग जो एंटरप्राइज बने लोगों को अप टू 50 लाख तक का लोन मिलेगा, और इसी के चलते मध्य प्रदेश में 450 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इंदौर के अंदर स्टार्टअप पार्क बना रहे हैं। स्टार्टअप इंदौर में स्टार्टअप पार्क बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं भैया? शिवराज सिंह चौहान साहब। चलिए तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एट प्री प्राइमरी लेवल? कौन सा स्टेट है जिस स्टेट ने एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्री प्राइमरी लेवल पर इंड्यूस की है या इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया है? राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड या हरियाणा? राजस्थान तो नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, फिर भी देख लेते हैं। उत्तराखंड आंसर है। तो अभी राजस्थान से क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, हिमाचल प्रदेश से मैं क्वेश्चन करा देता हूं। हिमाचल प्रदेश में एक कांगरा, एक टी का नाम है जिसका नाम है कांगरा टी, और कांगरा टी को अभी रिसेंट में जीआई टैग मिला है यूरोपियन कमीशन के थ्रू। उत्तराखंड से क्वेश्चन हो ही गया और हरियाणा से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन पढ़ ही लिए, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई स्टार्ट एट जून में कितना परसेंट रहा? पहले तो ये क्वेश्चन यहां तक समझ ले। आरबीआई जो हर साल इंडस्ट्रियल आउटलेट सर्वे जारी करती है, उसी के साथ साथ आरबीआई जिम्मेदार होती है मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसका भी। तो अब ये बता रहे हैं यहां पर कि जो आरबीआई है ये हमेशा, आपको पता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, रेगुलेट कर भी रही है, चला भी रही है, एमपीसी के माध्यम से चलाती है। लेकिन कहने का मतलब है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है, जो किस पर डिपेंड है? सीपीआई पर है। जो कौन जारी करता है सीपीआई? एनएसओ जारी करता है। और जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके हिसाब से जून महीने में कितना परसेंट रहा था, पहले तो ये कमेंट बॉक्स में आप बता दें। एक फिर कह रहे हैं कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6th स्ट्रेंथ मंथ, एकदम सिंपल सा है, आसान भाषा में समझ ले। सरकार कहती है और आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन शुड बी 4%, 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए। अब जो अपर टॉलरेंस लेवल है वो मैक्सिमम हो सकता है 6%। एक दूसरा लोअर टॉलरेंस लेवल है इन्फ्लेशन का, वो हो सकता है 2%। इट मींस प्लस माइनस 2%। आरबीआई ऐसा कहती है लोगों की जेब में जितना पैसे की जरूरत है उससे 4% ज्यादा होगा तो चलेगा। तो इसी को तो कहते हैं कि डिमांड बढ़ना, सप्लाई कम होना, इन्फ्लेशन की मात्रा बढ़ जाना। तो गवर्नमेंट कह रही है, आरबीआई कह रही है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? 4%। अगर ज्यादा रहेगा तो महंगाई ज्यादा बढ़ेगी, और कम रहेगा तो लोग डिमांड ही नहीं कर पाएंगे, तो उतना ही तो खपत होगी जितनी जरूरत है, फिर उसके अलावा लोग सोच ही नहीं पाएंगे बड़ा। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा तो तुम बड़ा कहां से कर पाओगे? तो यही बात समझना है, जेब में पैसा रहेगा तो आप खर्च ज्यादा करोगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जितनी आपको जरूरत है उससे बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम लेवल पर, अपर टॉलरेंस लेवल है वो 6% हो सकता है, कम से कम वो 2% हो सकता है। इसी को बैलेंस करने का काम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से होता है, और वहां पर एक कमेटी होती है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये 3 में, आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत आर वर्मा, ठीक है? आशिमा गोयल, शशांक भिड़े, जयंत आर वर्मा। और यहां पर 3 लोग हैं, वो है राजीव रंजन, शक्तिकांत दास और एमडी पात्रा, ठीक है? राजीव रंजन, शक्तिकांत दास और एमडी पात्रा, और यहां पर भी 3 बताए। राजीव रंजन ने रिसेंट में मृदुल सागर को रिप्लेस कर लिया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं। अब ये टॉलरेंस जो लेवल है ये क्रॉस कर रहा है, 6 से भी ज्यादा है। लास्ट कितने मंथ से? 6 महीने से। सोचिए आप, 6 महीने मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, मतलब जून में 6 से। तो अब तो मैंने ऑप्शन में आपको 6+ ही दिया है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए
तो आंसर जो है वो है आपका 7.01%। आप सोचिए हायर टॉलरेंस मतलब अपर टॉलरेंस लेवल को क्रॉस कर चुका है। अब ये कुछ दिए हुए ये भी किसी ना किसी मंथ के हैं, पर क्वेश्चन आ गया कि अब तक जैसे आप एग्जाम देने जाओगे अगस्त में या सितंबर के महीने में, तो 5-6 महीने पुराना करंट अफेयर कहीं ना कहीं मिक्स कर लेते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तब भी देखो कैसे कर लेंगे। मान लो तुम आओगे सितंबर में एग्जाम दे रहे, 4 महीने करंट पड़े, क्वेश्चन ही आ जाएगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो किस महीने में देखने को मिला। तो आपको ये चीज जानने के लिए इस टेबल को देख लेना है। ये टेबल है आपके सामने, ये ईयर 2022 दिया है, मतलब जनवरी में, जनवरी का महीना है 2022, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जनवरी में जो था वो क्रॉस हो गया था 6.01, मतलब अपर टॉलरेंस लेवल को क्रॉस कर चुका था, और फिर बढ़ता ही गया। फरवरी 6.07%, मार्च में 6.95%, अप्रैल में सबसे ज्यादा 7.79%, मई में थोड़ा घटा। क्यों घटा? क्योंकि मैं बता दूं यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस आए थे और पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट में परिवर्तन किया गया था, और यह परिवर्तन आपको नई मीटिंग में भी देखने को मिलेगा। आने वाली मीटिंग में हो सकता है अभी जो रेपो रेट है वो चल रहा है 5.90 और ये शायद बढ़कर हो सकता है 6+ पहुंच जाएगा, और जब तक आप एग्जाम देने जाएंगे ये 6.25+ होगा ही होगा। तो याद रखिएगा जो रेपो रेट में परिवर्तन है वो इसीलिए किया जा रहा ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और जून महीने, मन महीना, अप्रैल महीना, मार्च महीना, फिर जनवरी और फरवरी महीना, ये सारे महीने मैंने आपको बता दिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे होंगे कि भैया ये तो ले लेने देते, तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट हो गया तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका स्क्रीनशॉट हो गया तो अब लास्ट क्वेश्चन, नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव कहां पर कंडक्ट की गई? ऑप्शन सूरत गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, रामपुर उत्तर प्रदेश, आसनसोल वेस्ट बंगाल। आंसर आपको बताना है। चलें तो ये लो आंसर आपकी स्क्रीन पर, सूरत गुजरात के अंदर। सूरत गुजरात में आपको सबको पता है जो स्टील का बेस्ट होता है उससे स्टील की रोड बनाई गई है हजीरा में। हजीरा एक जगह है जहां पर सूरत में स्टील रोड बनाई गई थी, एक चीज। मुंबई महाराष्ट्र में पहला इंडिया का सोलर या कह सकते हैं बैटरी स्वैपिंग या चार्जिंग पंप बनाया गया है। कहां पर? मुंबई में। रामपुर उत्तर प्रदेश में पहला फर्स्ट अमृत सरोवर बनाया गया, जैसे हम जानते हैं आजादी का अमृत 75 हम लोग वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, और सभी जानते हैं कि 75वां आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि अमृत सरोवर जो बनाएंगे, मतलब तालाब बनाएंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 75 नए तालाब बनाए जाएंगे, उनमें से पहला जो तालाब है रामपुर उत्तर प्रदेश में, इट्स उत्तराखंड, ये गलत है, इट्स उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। आसनसोल में मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट गति प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाया गया है। चलिए तो यहां तक हुए आपके 10 क्वेश्चन और साथ में 15 न्यूज, सुपर हिट न्यूज, 25 तो ये, और हम लोग 10 के साथ 30 वो पढ़ते हैं, तो 25 और 30 हो गया कितना हमारा, 25-30 कितना हो गया बताइए शुक्ला सर, 25-30 हो गया हमारा, अरे बताओ ना, 55 नहीं हो गया, 55 हो गया ना, और फिर उसके साथ जो न्यूज पढ़ी वो अलग से, आराम से 100 क्वेश्चन करा दी इसमें। चलिए तो इससे पहले ये बंद हो जाए हम लोग चलते हैं, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा वीडियो का। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारे सिलेक्टेड वाले बच्चों का डेटा है, और आप सभी लोग एग्जामशाला ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाएं भैया, टाइम खराब मत करें, बहुत सारी वैकेंसी हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि 10 लाख नौकरी निकालेंगे इस साल, और SBI का वैकेंसी है, उसके बाद SSC का वैकेंसी लगा हुआ है, इंश्योरेंस सेक्टर की वैकेंसी है, बैंक में बहुत सारी वैकेंसी है, और आप सभी के लिए है। तो तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मन के हारे हार मन के जीते जोत, एक विशेष सूचना ये कि अगर आप मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो ये मेरा
इंस्टाग्राम पर नेम है, वैसे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको आपकी पर्सनल प्रॉब्लम जो भी दिक्कत है उससे रिलेटेड आपको समाधान दूंगा, और ये मेरा नंबर है। तो कभी भी आप 24/7 अपना मैसेज मुझे ड्रॉप आउट कर सकते हैं, कहां पर? इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम पर, और आप मुझे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।